नमस्ते। आज मैं थोड़ा सा इशू में बोलना चाह रहा था। सबसे पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अगले 2-3 दिन के अंदर पार्लियामेंट में आने वाला है। जो हमने विनती की थी विद होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अभी तक हमें खबर नहीं मिला है कि उन्होंने उस निवेदन को, जो हमने पॉइंट्स रखे हैं, उसमें उन्होंने क्या व्यूज रखे हैं। क्योंकि हमारा 4 या 5 पॉइंट्स था। एक था कि आप ईडीसी को बाहर रखिए, दूसरा था कि आप ये सीएबी का जो बिल है वो ईडीसी को बाहर रखने के बाद भी, और एक पॉइंट था कि हमारा जो असेंबली में सीट है उसको थोड़ा ज्यादा करें। मैंने कहा था कि लैंड लॉस को हमारे ईडीसी एरिया में जो है, उसके आज के दिन लैंड लॉज नहीं है हमारे पास, वो ईडीसी को आप डायरेक्ट पावर करके लैंड लॉज दीजिए। हमने कहा था रियांग्स को रखने के लिए, वो तो उन्होंने मान लिया है, लेकिन उनको पार्लियामेंट में ये बात बोलना पड़ेगा हमारे रियांग के रिसेटलमेंट के बारे। हमने फॉरेस्ट बिल के बारे कहा था। हमने कहा था कि ये जो बाउंड्री है बिटवीन त्रिपुरा एंड बांग्लादेश, उसको पूरा सील किया जाए जल्द से जल्द, मतलब कि एक टाइमलाइन के अंदर एक कमिटी बनाया जाए जहां में हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके रेगुलरली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो अभी तक कुछ खबर नहीं मिला है। मुझे मीडिया से न्यूज आ रहा है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन अभी तक हमें कुछ खबर नहीं मिला है। तो हम सब चिंतित है, क्योंकि अगर सीएबी ऐसे तरीके से पास किया गया तो हमें बहुत प्रॉब्लम होगा एंड हम इसका विरोध करेंगे। दूसरा बात है कि मुझे एक एसएमएस आया फ्रॉम पितौर एक्चुअली, तो मुझे लगा कि मैं उसका भी क्लैरिफिकेशन दे दूं। पहला बात है, त्रिपुरा में हमारे लोग बहुत कम समझते पितौर, दिस इज फॉर यू, मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं। मैंने कहा है कि इस समय हमें एक आवाज में सीएबी के खिलाफ बोलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सिर्फ तिपरलैंड बोलने से सीएबी का प्रेशर खत्म हो जाएगा तो ये गलत बात है। आपको तिपरलैंड डिमांड करना आप कीजिए, मैं इसका विरोध नहीं करूंगा, मैं विरोध नहीं करना चाहता, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप कीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सिर्फ तिपरलैंड बोलने से सीएबी का प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा, क्योंकि सीएबी मिजोरम में 99% तो मिजोजी है, मैक्सिमम है। नागालैंड में नागास है, मेघालय में खासीज गारोज एंड जैंतियाज मैक्सिमम है, अरुणाचल में अरुणाचलीज मैक्सिमम है। तब भी वो स्टेट क्यों चिल्ला रहे हैं सीएबी के खिलाफ? मणिपुर में मैतेई कुकीज एंड नागास है, क्यों चिल्ला रहे हैं? क्योंकि वो भी जानते हैं कि एक अलग स्टेट बनने से, एक सीएबी जैसा बिल पास होने से उनके पॉपुलेशन को खतरा है। तो आप सीएबी और सेपरेट स्टेटहुड को इंटरलिंक मत कीजिए। आपको तिपरलैंड डिमांड करना है आप कीजिए, लेकिन इस समय हमें कॉन्सेंट्रेट सिर्फ सीएबी में करना चाहिए। तिपरलैंड का खिलाफ अगर आपको पक्ष में बोलना, आप बोलिए, मैं आपको अपोज नहीं कर रहा हूं। ये क्लैरिफिकेशन था, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि तिपरलैंड आने से सीएबी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। सीएबी आने से इस प्रेजेंट फॉर्म में हम सबको प्रॉब्लम है, इसी के लिए हमने इसका विरोध किया है, मैंने ये कहा था। ये आई होप मैंने ये बोलने के बाद आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। दूसरा बात है कि हमारे एमपी विश्वजीत दायमारी ने कहा कि आप त्रिपुरा को यूनियन टेरिटरी बना दीजिए। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, ठीक है, यूनियन टेरिटरी बना दिया, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, पौंडीचेरी है, दिल्ली भी है। सबसे पहले होम आपके पास नहीं है, कोई भी अगर आपके अंदर स्टेट में आना चाहे, आपके पास पुलिस का कंट्रोल नहीं है, आप रोक नहीं सकेंगे। सेकंड, अगर आप यूनियन टेरिटरी बन जाते हो तो आपको शायद बहुत लोगों को जो मन में आता बोल देते हैं, एक कानून का किताब भी है। आज त्रिपुरा में हमारा रिजर्वेशन इंडिजिनस लोगों का 31% है। अगर सेंट्रल रिजर्वेशन पॉलिसी आता है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं होगा, सेंट्रल रिजर्वेशन पॉलिसी होगा, तो हमारा जो रिजर्वेशन आज 31% है वो 7.5 में आ जाएगा। उस 7.5 में भी
सिर्फ त्रिपुरासा नहीं है, उसमें मेघालय के लोग आ सकते हैं, नागालैंड के लोग आ सकते हैं, अरुणाचल के आ सकते हैं, मणिपुर के ट्राइब से आ सकते हैं, आसाम के ट्राइब से आ सकते हैं, मिजोरम के ट्राइब से आ सकते हैं। इनफैक्ट जो ट्राइबल्स झारखंड में हैं, छत्तीसगढ़ में हैं, आंध्रा में हैं, पूरे इंडिया में हैं, वो भी ट्राइबल्स आकर हमारे 7.5% में वो नौकरी या शिक्षा का एजुकेशन ले सकते हैं, मतलब कि एडमिशन ले सकते हैं। तो यूनियन टेरिटरी कोई समाधान नहीं है। अगर आपको सेपरेट स्टेट डिमांड करना, आप कीजिए, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मैं हमेशा बोलता हूँ, जो भी जब किसी का टाइम त्रिपुरा लैंड डिमांड करता, मैं बोलता हूँ वो एंटी इंडिया नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये आपका डिमांड है, आप कीजिए, मैं विरोध नहीं करूंगा। और सीएबी में आप सीएबी को हमेशा आप मैंने क्या देखा है पिछले 15-20 दिन में, अमित शाह ने बुलाया, हम सीएबी के बारे बात करने गए, विजय राघवन ने बहुत अच्छे से बोला, पटल कन्या ने बहुत अच्छे से बोला, एंथनी देव वर्मा ने बहुत अच्छे से बोला, विश्वजीत कोलोई, सुनील देव वर्मा, त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन बहुत अच्छे से बोला, क्षत्रिय समाज ने बहुत अच्छे से बोला, इनफैक्ट अनिमेश ने बहुत अच्छे से बोला, टीला से अरूप देव वर्मा ने बहुत अच्छे से बोला, प्रोफेसर सुनील कोलोई ने बहुत अच्छे तरीके से बोला, मैंने बोला। अब हमने किस में बोला? हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ बोला। मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं, वहां में किसी ने त्रिपुरा लैंड के बारे नहीं बोला, क्योंकि त्रिपुरा लैंड डिस्कशन में था ही नहीं। मेवाड़ ने भी त्रिपुरा लैंड के बारे नहीं बोला। मेवाड़ ने क्या बोला? उन्होंने अच्छे तरीके से बोला कि सीएबी हमें स्वीकार नहीं है, आप कट ऑफ डेट 2014 नहीं रख सकते। मेवाड़ ने बहुत अच्छे तरीके से बोला कि हम सीएबी के विरोध करते हैं, उसने त्रिपुरा लैंड के बारे बात नहीं किया। आप ये मुझसे भी सबसे पूछ सकते हैं, क्योंकि इशू ही वहां में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था। तो आप इसको कंफ्यूज मत कीजिए। दूसरा बात है, मैंने क्लियरली कहा है कि जो भी आंदोलन आपको करना है आप कीजिए, ये डेमोक्रेसी है, आपका कोई विरोध नहीं कर सकता, लेकिन वायलेंस मत लाइए, प्लीज डू नॉट इंडल्ज इन वायलेंस। क्योंकि हमें पहले से कहा गया है, अरे ये त्रिपुरा लोग तो आतंकवादी है, ये लोग तो वायलेंट है। हमें किसी को मौका नहीं देना चाहिए कि कोई हमें कल आरोप दे कि हम लोग वायलेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप हमेशा सोच के रखिए कि ये बात हमें मन में रखना चाहिए। अब रहा बात पार्लियामेंट में, ट्यूसडे में आने का बात है, राज्यसभा में भी डिस्कस होगा, हमें क्या करना है? हम अनुरोध कर रहे हैं कि आज भी हमें, हमारा जो दिल में दुख है आप समझिए, और अगर आपको सीएबी पास करना है तो हमारे एडीसी एरिया को आप बाहर रखिए। ये मेरा क्लियर डिमांड था। हमने कहा है कि हमारे जो त्रिपुरासा लोग एडीसी के बाहर है उनका क्या होगा, उनके बारे सोचिए। हमने कहा है कि असेंबली में 20 सीट काफी नहीं है हमारा, हमें ज्यादा सीट चाहिए। आप हमेशा बोलते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा, हमें चाहिए। हमने कहा है कि ईडीसी में जो लैंड है, टीटी ईडीसी में, वो लैंड को हम इंडिजिनस लोग से नॉन इंडिजिनस को ट्रांसफर नहीं कर सकते। गवर्नमेंट भी ये लैंड को ट्रांसफर त्रिपुरासा के हाथ से नॉन त्रिपुरासा के हाथ में नहीं कर सकते। ये बहुत क्लियर बात है। और बॉर्डर, हम लोग बोलते हैं कि अब बॉर्डर खुला है, बॉर्डर से ड्रग्स आ रहा है, बॉर्डर से लोग रोज आ रहे हैं, बिजनेस करते हैं वापस चले जाते हैं, तो ये बॉर्डर को आप कब सील करोगे? जब तक आप बॉर्डर को सील नहीं करोगे, आप सीएपी को कैसा पास कर सकते हो? तो ये भी हमारा डिमांड था। और मैं आशा करता हूं कि ये जो कंफ्यूजन है, फिर से, क्योंकि पितौर का मैसेज आया कि महाराज आपने हमारे खिलाफ बोला, आईपीएफटी के खिलाफ बोला। मैंने आईपीएफटी के खिलाफ नहीं बोला, मैंने सिर्फ ये कहा कि अलग स्टेट होने से सीएबी का समस्या नहीं खत्म होगा। अगर अलग स्टेट होने से सीएबी का समस्या खत्म होता तो मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश आज प्रोटेस्ट नहीं करता, क्योंकि उनके पास भी अलग स्टेट है, लेकिन वो भी जानते हैं
कि अगर सीएबी पास हुआ तो अलग स्टेट होने से कुछ मतलब नहीं रहता, क्योंकि कोई भी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है, कोई भी कहीं जा सकता है। ये हमारा पॉइंट था। आई होप ये बात पूरा क्लैरिफाई हो गया है। इस समय मुझे आईपीएफटी से लड़ना नहीं है, आईपीएफटी को आईएनपीटी से लड़ना नहीं है, आईएनपीटी को टीपीएफ से लड़ना नहीं है, टीपीएफ को एनसीटी से नहीं लड़ना है, देबरमा को जमातिया से नहीं लड़ना है, जमातिया को रियांग से नहीं लड़ना है, रियांग को कॉलोज से नहीं लड़ना है। हमें सब एक होकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के को एक सोच देना है कि ये बिल हमारे हित के खिलाफ है। अगर आप हमारे बारे चिंता करते हैं तो पहले हमें आश्वासन दीजिए, हमें प्रोटेक्शन दीजिए, उसके बाद आपको अगर रखना भी है तो सिर्फ त्रिपुरा में हम नहीं रख सकते। आप गुजरात में बहुत जगह है, आप गुजरात में रखिए, महाराष्ट्र में बहुत जगह है, आप महाराष्ट्र में रखिए, बंगाल में ममता जी रख लेंगे, आप उत्तर प्रदेश में रख दीजिए, मध्य प्रदेश में रख दीजिए, कर्नाटका में रख दीजिए, त्रिपुरा में अब हम और किसी को नहीं रख सकते। ये मेरा क्लियर पॉइंट है। बेलाई बेलाई नो हम बाय, थैंक यू, खुलूंगा।